नमस्कार, मैं हूँ देवांजलि मोइत्रा। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता, यही कहावत वाराणसी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने भी अपना लिया। तभी तो कोरोना की दूसरी लहर से सीख लेते हुए बच्चों के लिए घातक बताए जा रहे कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए वाराणसी में सभी सरकारी और प्राइवेट बाल रोग विशेषज्ञों को इलाज के लिए आने वाले लक्षण युक्त बच्चों का आरटीपीसीआर जांच कराने का निर्देश दे दिया। ऐसा पहली बार पूरे यूपी और देश में एक मॉडल के रूप में हो रहा है और प्रयोग के सफल होने पर देश भर में इसे अपनाया भी जा सकता है। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए, खासकर बच्चों को बचाने के लिए, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक ऐसा प्रयोग होने जा रहा है जो शायद कोई अन्य प्रदेश या देश के किसी हिस्से में अपनाया गया। जी हाँ, अब अगर कोरोना के लक्षण वाले बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल या क्लिनिक ले जाने पर सबसे पहले उनका आरटीपीसीआर जांच होगा और ये पूरी तरह से मुफ्त होगा। वाराणसी के कमिश्नरी सभागार में वाराणसी के निजी और सरकारी अस्पतालों के बाल रोग विशेषज्ञों की बैठक पूरे वाराणसी के कोविड प्रभारी एमएलसी ए के शर्मा, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और कमिश्नर दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें ये अहम फैसला लिया गया। इस बारे में और जानकारी देते हुए वाराणसी के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एनपी सिंह ने बताया कि बैठक में सभी बाल रोग विशेषज्ञों को ये निर्देश दिया गया है कि आप अपने अस्पताल या क्लिनिक में इलाज कराने के लिए आने वाले बच्चों का आरटीपीसीआर जांच कराइए। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ये निर्देश भी दिया गया कि वो सारे सैंपल्स को कलेक्ट करके जांच के लिए बीएचयू भेजे। इससे फायदा ये होगा कि इस तरह के होने वाले जीरो कलेक्शन से हम कोरोना का ट्रेंड पता कर सकेंगे। अगर 6000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आएंगे तो हम सचेत हो जाएंगे समय रहते, ताकि इस बार की होने वाली परेशानी से आने वाले समय में ना झेलना पड़े। इसकी एक अभिनव प्रयोग के रूप में वाराणसी में शुरुआत की जा रही है। ये प्रयोग अगर सफल होता है तो इसे एक मॉडल के रूप में बनाया जाएगा। बीमार बच्चों के आरटीपीसीआर की जांच के जरिए अधिक से अधिक स्क्रीनिंग की जाएगी। बच्चों के सैंपल का कलेक्शन सीएमओ ऑफिस की ओर से गठित टीम रोजाना करेगी, जिसकी रिपोर्ट भी 24 घंटे में प्राप्त हो जाएगी। इससे फायदा यह होगा कि लक्षण युक्त बच्चों का समय रहते डायग्नोसिस हो पाएगा। और अगर ये मॉडल सफल होता है तो भविष्य में बनारस मॉडल पूरा देश अपनाएगा। ये जांच प्रक्रिया निशुल्क होगी। उन्होंने आगे बताया कि आज भी बैठक में बच्चों को लेकर ही दवाइयां, उपकरण और टीकों को बढ़ाने पर चर्चा हुई और उसको लेकर बहुत अच्छे सुझाव भी आए। विटामिन ए, सी और डी को हम समय रहते गांव तक पहुंचा दे तो हम समय रहते इस बीमारी को कंट्रोल कर सकेंगे। आज मंडलायुक्त कार्यालय में बनारस के निजी क्षेत्र के जितने भी हमारे बाल रोग विशेषज्ञ, सरकारी अस्पताल से और होमी भाभा से हमारे बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ पे आज आए थे, और ये जो मीटिंग हुई थी श्री ए के शर्मा जी MLC, माननीय मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आज ये मीटिंग सम्पन्न हुई। इस मीटिंग में काफ़ी संख्या हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आए थे, क्योंकि आशंका जाहिर की जा रही है कि थर्ड वेव कोरोना की आ सकती है और उस समय बच्चों के ऊपर इसका एक प्रभाव पड़ने की अभी आशंका व्यक्त की जा रही है। उसी के रोकथाम के लिए आज यहाँ पे बाल रोग विशेषज्ञों की पूरी टीम यहाँ पे एकत्रित हुई थी और उन्होंने कई सारे अपने सुझाव रखे जिला प्रशासन के सामने, माननीय MLC महोदय के सामने, जिसको उन्होंने बड़ी गंभीरता से सुना है। और आने वाले समय में हम इसको कैसे रोक सकते हैं, कोरोना की थर्ड वेव जो आशंका व्यक्त की जा रही है, उसके ऊपर आज यहाँ पे गंभीर विचार और मंथन हुआ है। तय ये हुआ है कि एक SOP बनाई जाए, एक ऐसा हम लोग अपना प्रबंध तंत्र बनाएं जिससे कि जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों के साथ उनकी माँ या उनके पिता का रहना अस्पताल में अति आवश्यक होगा और ऐसे बच्चों को हम अकेले आइसोलेट नहीं कर सकते। इन्हीं सब को देखते हुए टीकाकरण से लेके और अन्य कई बातें, उपकरणों से लेके बिस्तरों की उपलब्धता, अस्पतालों की उपलब्धता, उस पर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। और चर्चा करने के पश्चात हमारे जो बाल रोग विशेषज्ञ जो यहाँ IAP के एकेडमी के जो अध्यक्ष और सचिव हैं, उनके साथ हमारे जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनकी एक टीम बनाई गई है जिनको कि ये कार्य दिया गया है कि आने वाले समय में एक ब्लूप्रिंट बना लें जिससे कि कोरोना की थर्ड वेव जो कि बच्चों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी उसको रोकने में कैसे सहायक होंगे, और उसको करके जिला प्रशासन को हम लोग देंगे। जिला प्रशासन उसका मंथन करने के बाद उसको प्रदेश शासन को देंगे ताकि समय से रहते हम अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पे उपलब्ध करा सकें। तब तक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा। ब्लूप्रिंट तैयार कराने के लिए ये तैयार हुआ है कि हमको 10 दिन के अंदर इसको करना है। और साथ ही आपको आज एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो आज एक नई पहल हुई है और हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी पहचान हो। सारे बाल रोग विशेषज्ञों को आज निर्देश दिया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, स्पेशली मंडलायुक्त महोदय की तरफ से, कि आप अपने अस्पताल या आने जो क्लिनिक पर जो बच्चे आते हैं इलाज कराने, आप उनकी जांच RT-PCR के वहाँ पे करिए,
और CMO साहब को निर्देश दिया गया है कि वहाँ से सारे सैंपल को कलेक्शन करके इसको जांच के लिए बेचू भेजा जाए। इससे फ़ायदा ये होगा, यदि हमारे इस प्रकार के कलेक्शंस होंगे जिसको कि हम सीरो कलेक्शंस कहते हैं, उससे हम एक ट्रेंड पता कर सकेंगे कोरोना की। अगर 6000 में से अगर ज़्यादा अगर अधिक केस आएंगे तो हम सचेत हो जाएंगे समय रहते, ताकि हमको इस बार जो हमको थोड़ी सी तकलीफ हुई हम लोगों को मेंटेन करने में, वो आने वाले समय में नहीं होगी। तो क्या इसको कंपल्सरी किया जा रहा है क्या? ये एक अभिनव प्रयोग के रूप में बनारस में इसका शुरुआत की जा रही है। डॉक्टर DM गुप्ता सर सब लोग बैठे थे यहाँ पे, एक अभिनव प्रयोग के रूप में अगर मुझे लगता है अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो ये पूरा एक बनारस मॉडल मुझे लगता है आज मुहर लग गई है क्लिनिक दोनों भी। और ये एक अगर पहल जो पेरेंट्स हैं जो आएंगे बच्चों को लेके, क्या उनको RT-PCR टेस्ट उस तरह के सिम्टम्स में कराना होगा? बच्चों के माता पिता पे नहीं, मैंने यहाँ बात आपको बताई बच्चों को, जो बच्चे हाँ, बीमार होके आएंगे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी RT-PCR के माध्यम से, और अधिक से अधिक स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसका कलेक्शन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से जो टीम गठित होगी वो रोजाना बेसिस पे करेगी, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे में प्राप्त होगी। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि हमको समय रहते ऐसे बच्चों में लक्षण युक्त बच्चे जो होंगे उसमें हमको डायग्नोसिस करने में बहुत आसानी होगी। और अगर ये मॉडल अगर सफल होता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में बनारस मॉडल पूरा देश अपनाएगा। ये सारी प्रक्रिया निःशुल्क होगी। उसके बारे में चर्चा तो नहीं, लेकिन आज जितनी जो मंथन हुआ है उसी को मद्देनजर देखते हुए किया गया कि आने वाले समय में हम अपने प्रदेश के जो मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी बनारस के बाल रोग विशेषज्ञों की जो बातें उन तक हम लोग पहुंचा सके। नगर स्वास्थ्य अधिकारी MP सिंह ने बताया कि आज हुई बैठक निजी बाल रोग विशेषज्ञ और होमी भाभा अस्पताल से आए बाल रोग विशेषज्ञ के बीच MLA AK शर्मा और जिलाधिकारी सहित मंडलायुक्त की अगुवाई में ये बैठक इसलिए हुई क्योंकि आशंका जाहिर की जा रही है कि कोरोना की थर्ड वेव आ सकती और उस समय बच्चों पर थर्ड वेव के प्रभाव पड़ने की आशंका जाहिर की जा रही। सभी बाल रोग विशेषज्ञों ने अपने सुझाव को रखा जिसको गंभीरता से सुना गया और तय ये हुआ कि एक ऐसी SOP या हम लोग अपना प्रबंध तंत्र बनाए क्योंकि बच्चों के साथ उनकी माँ या उनके पिता का रहना अस्पताल में अति आवश्यक होगा और ऐसे बच्चों को अकेले आइसोलेट नहीं कर सकते। इन्हीं सब को देखते हुए टीकाकरण से लेकर अन्य कई बातें, उपकरणों से लेकर दवाइयों तक की उपलब्धता, अस्पतालों की उपलब्धता, उस पर कई बिंदुओं पर चर्चा और चर्चा करने के पश्चात हमारे बाल रोग विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई जिनको कार्य दिया गया कि आने वाले समय में एक ब्लूप्रिंट बना ले जिससे कोरोना की थर्ड वेव जो कि बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी उसको रोकने में कैसे सहायक होगी। ये ब्लूप्रिंट 10 दिनों के अंदर तैयार कर ली जाएगी। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।